सभी तो वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल वॉइस शनी पे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, अगर आपके जेईई मेंस में 20 से 60% के बीच में आपका मार्क्स आ रहा है तो यस डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए। अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना तो ये वीडियो ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से कॉलेजेस आपको टॉप ऑर्डर में डालना चाहिए चॉइस फिलिंग में, तो उस पे अपन बात करते हैं, ठीक है। तो अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। चलो स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि है और 20 से 60 के बीच में है, आप एससी एसटी यूआर किसी से भी बिलोंग्स करते हो तो ये कॉलेजेस आप डाल सकते हो। लेकिन एससी वाले कैटेगरी वाले लोग इससे भी ऊपर अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो एससी कैटेगरी वाले जो कॉलेज का नाम डालेंगे सिर्फ एससी के लिए मैं अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, फिर अदर के लिए बताऊंगा। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग्स करते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर एलएनजेपीटी छपड़ा, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज, गया इंजीनियरिंग कॉलेज, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपका एससी में 60% है। साथ ही उसके बाद बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फिर आप बीपीएमसी मधेपुरा, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, एसआईटी सीतामढ़ी, सासाराम इंजीनियरिंग कॉलेज, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेजेस आप इस ऑर्डर में अप्लाई करना। साथ ही उसके बाद आप जो है सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज, सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, गोपालगंज इंजीनियरिंग कॉलेज, कैमूर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, उसके बाद वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, बांका इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इस ऑर्डर में आप अपना कॉलेज दे सकते हो एससी कैटेगरी वाले, ठीक है। और अब मैं ऑल ब्रांचेस के बारे में बताता हूँ, ठीक है। ऑल ब्रांचेस मतलब एससी छोड़ करके आप सभी लोग आप कर सकते हो या एससी वाले भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, बीसी ईबीसी से आते हो, तो 60% में जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो उसमें आप आ सकते हो बीपीएमसी मधेपुरा, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बेगूसराय इंजीनियरिंग कॉलेज, एसआईटी सीतामढ़ी, सासाराम इंजीनियरिंग कॉलेज जो सिरसा इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम है वहाँ पे, फिर आप पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज, बांका इंजीनियरिंग कॉलेजेस, वैशाली इंजीनियरिंग कॉलेज, कैमूर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस आ सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस समस्तीपुर, लखीसराय, शेखपुरा, भोजपुर, बक्सर, खगड़िया, नवादा, अरवल, जहानाबाद, सिवान, मधुबनी, गोपालगंज, कैमूर, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण, शिवहर, मुंगेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, मुंगेर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, खगड़िया और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, किशनगंज आप ये डाल सकते हो इस ऑर्डर में, ठीक है। टोटल 60 ऑप्शन आपको फिलअप करने रहते हैं। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सभी कॉलेज आप प्रीफर कर सकते हो। तो मैंने 20 से 60 के बीच में बता दिया हूँ, एससी के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया है। तो ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक जरूर सभी लोग देखें। साथ ही इसके पहले अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो बना दिया है, आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के बारे में जानना है तो मैंने वीडियो बना दिया, तो आप वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू।